पुलिस ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। अदालत ने पूर्व एमएलसी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार और बुधवार को संपत्ति कुर्क कर उस पर पुलिस ताला लगा देगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि हाजी इकबाल के खिलाफ 32 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद वह कोर्ट में सरेंडर नहीं हुए। हाल ही में उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद में सहारनपुर पुलिस ने अब हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ने हाजी इकबाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्जन भर से अधिक मुकदमे कायम किए हैं। वहीं अदालत भी कुर्की के नोटिस जारी कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। इन सब के बाद भी पुलिस के हाथ पूर्व एमएलसी हाथ नहीं आ रहे हैं। वहीं वह लगातार कानून के शिकंजे से फरार चल रहे हैं। इसी के चलते बीते दिनों पुलिस ने पूर्व एमएलसी के खिलाफ 2 अवमानना का मुकदमा भी दर्ज किए जा चुके हैं।